के बाद आजाद समाज पार्टी और हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के जो प्रत्याशी है वो भी सूची सामने आ चुकी है। गठबंधन के बाद दोनों ही पार्टियों की तरफ से पहली प्रत्याशी सूची सामने आई है। हनुमान बेनीवाल की पार्टी की तरफ से 10 लोगों को टिकट देकर मैदान में उतारा है, तो कुछ सीटों पर आजाद समाज पार्टी ने भी अपनी सीटों का ऐलान किया है। पार्टी की तरफ से यानी दोनों ही पार्टियों की तरफ से मिल रही जानकारी के अनुसार आजाद समाज पार्टी ने कुल 6 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पार्टी की तरफ से झुंझुनू की जो सीट है वहां से पंकज धनखड़ को टिकट देकर मैदान में उतारा है। विराट नगर की सीट से पूर्व विधायक रहे रामचंद्र सिराधना को टिकट देकर मैदान में उतारा है और मुंडावर की सीट से अंजलि यादव को टिकट देकर मैदान में उतारा है, जो कि कांग्रेस पार्टी की नेता रही हैं। और नसरुद्दीन खान को धौलपुर की सीट से टिकट देकर मैदान में उतारा है। जितेंद्र बोयत वाल्मीकि को केकड़ी की सीट से और अनिता मीणा को बूंदी की सीट से टिकट देकर मैदान में उतारा। तो ये आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की तरफ से 6 लोगों को टिकट जारी किया है। चंद्रशेखर आजाद ने आपको बता दें कि अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। वही आपको हनुमान बेनीवाल की पार्टी की बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पर उनकी भी प्रत्याशी सूची देख पा रहे हैं। इसके अंदर उन्होंने जानकारी दी है कि खींवसर की सीट से हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ेंगे, भोपालगढ़ की सीट से पुखराज गर्ग आपको बता दें कि चुनाव लड़ेंगे, मेड़ता की सीट से इंदिरा देवी बावरी को टिकट देकर मैदान में उतारा है, यानी कि तीनों बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं। परबतसर से लच्छाराम बडालड्रा को, कोलायत की सीट से रेवतराम पवार को और सहाड़ा की सीट से बद्रीलाल जाट को, बायतो की सीट से उमेदाराम बेनीवाल को, सरदारसर की सीट से लालचंद मूंड को, संगनेर से महेश सैनी को, जोधपुर शहर से डॉक्टर अजित त्रिवेदी को। तो करीब आपको बता दें कि 10 नाम ये जो शामिल किए गए हैं, इसमें 7-8 सीटों पर हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। आरएलपी का यहाँ पर प्रभाव है, 3 सीटें तो उनकी खुद की जीती हुई भी है। इसके अलावा कई सीटों पर उन्होंने पिछली बार अच्छा खासा वोट प्रतिशत हासिल किया था और कुछ सीटों के ऊपर आपको बता दें कि मजबूत टक्कर दी। तो ऐसे में आपको बता दें कि कुल मिलाकर हनुमान बेनीवाल और आजाद समाज पार्टी की पार्टी की तरफ से कुल मिलाकर 16 प्रत्याशी अभी तक घोषित किए जा चुके हैं। मिलेंगे इस वीडियो में अपडेटों के साथ। आपसे लेते विदा, लाइक कीजिए।